हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल वसीम पर। दोस्तों हमने बहुत सारे ऐसे डिवाइस देखे होंगे आपने इश्यूज की आपके और डिवाइस होगा कि रजिस्ट्रेशन फेल, योर स्मार्टफोन डज नॉट मीट मिनिमम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट फॉर UIDAI, प्लीज ट्राई सम अदर हैंडसेट, डू यू वांट टू रिट्राई, प्रेस ओके। ये इशू आती है मोर्फो डिवाइस में एंड ये इशू आती है मंथर डिवाइस में। दिस इज रूटेड डिवाइस RD सच विल नॉट बी वर्क ऑन दिस हैंडसेट। तो आज हम बात करेंगे कि मोर्फो और मंथर डिवाइस अगर हम अपने मोबाइल में उसके सॉफ्टवेयर का रन कराना चाहते तो हमें ऐसा इरर मारता है, लेकिन ये इरर तब आती है जब हमारा डिवाइस रूट हो। लेकिन मैं आपको अगर चेक करके दिखा दूं, ये एक रूट चेकर एप्लीकेशन जिसमें चेक किया था कि आपका डिवाइस रूट है या नहीं। तो मैं इसे ओपन करूं और यहाँ पे अगर रूट चेक करने का परमिशन चेक करूं तो मेरा डिवाइस जो वो रूटेड बिल्कुल भी नहीं है। वेरीफाई अगर मैं रूट करूं इसे गेट स्टार्ट करके, तो यहाँ मैंने वेरीफाई पर टैप किया, देखो यहाँ पे सॉरी रूट एक्सेप्ट नॉट प्रॉपर इंस्टॉल ऑन दिस डिवाइस। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ है हमारा डिवाइस जो रूट नहीं है, फिर भी ऐसा एरर क्यों आता है? क्या हमें यह कह रहा है प्लीज ट्राई अदर डिवाइस, क्या हमें मोबाइल हैंडसेट चेंज करने पड़ेंगे? आज पूरा वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाला था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें दोस्तों, शेयर करें। चैनल पहली बार आए हो, नए आए हो, चैनल को ऐसे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को और लेट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये इशू आता क्यों है। देखिए बहुत सारे डिवाइस को अगर रूट कर दिया जाए तो ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और ये डिटेक्ट करता है आपके जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो रूट डिवाइस में वर्क नहीं करे, क्योंकि रूट डिवाइस में जो प्राइवेसी होती है उसे खतरा रहता है कि आपके जो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपके मोबाइल में कैप्चर करे कहीं और उसका यूज़ करके, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है यूज़ ना किया, यानी कि मोबाइल की सिक्योरिटी जो होती है ना, सिक्योरिटी मोबाइल की वो थोड़ी लो रखने पर रूट और लो बने के खत्म हो जाती है, कोई सिक्योरिटी नहीं रहता, आपके मोबाइल का हैक भी किया जाता है और आप दूसरे बहुत सारे काम रूट करने पर कर भी सकते हो, फायदा नुकसान दोनों होता है। तो हमारा डिवाइस अगर रूट अभी नहीं है तो देखो अगर आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाओगे तो ये है मेरा मोबाइल का स्पेसिफिकेशन डिटेल। तो देखो हमारे फ़ोन जो होते हैं जो थोड़े ओल्ड मॉडल के फ़ोन है या फिर जिसकी सिक्योरिटी पैच जो होती है अपडेटेड नहीं है या फिर जो अपडेट है वो उसके रिक्वायरमेंट यानी फिंगरप्रिंट डिवाइस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपेटेबल नहीं है कि हाँ इतने सिक्योरिटी पैच होने चाहिए, या फिर आपके मोबाइल के जो मिनिमम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा नहीं कर पाता आप जो भी हैंडसेट यूज़ करते हो। आप मोर्फो के देखोगे यहाँ पे तो इरर द स्मार्टफोन डू नॉट मीट मिनिमम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, ये UID के जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट फोन के हिसाब से वो मीट नहीं कर पाता है, तो इस कारण हमें ये इरर आता है। तो हमने अब जान लिया कि इरर हमें क्यों देखने को मिलता है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो सबसे पहला जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आपके उस फोन में रन नहीं करेगा डिवाइस में, आप चाहे जो कर लो रन कराने की कोशिश करोगे तो एक कुछ इश्यूज है मैं बताऊंगा उसके लिए, रन करना नामुमकिन है क्योंकि उसकी जो सिक्योरिटी होती है ना मोबाइल की, सिक्योरिटी होती है कि मोबाइल को कितने तरीके सुरक्षित है प्रॉपर हैकिंग वगैरह इसी चीज़ से। तो UID की जो काम होती है, आधार कार्ड काम जो होती है, अगर फिंगर के आप पैसे निकालो या फिर आप KYC करो जो भी चीज़ कर रहे हो फिंगरप्रिंट से, तो वो सिक्योरिटी आपके मोबाइल का जो सिक्योरिटी है उस हिसाब से कंपेटेबल नहीं UID के मिनिमम सिक्योरिटी के हिसाब से। मोर्फो या मंत्रा, मोर्फो ने क्लियरली बता दिया कि रूट तो नहीं है लेकिन आपके मिनिमम सिक्योरिटी जो है वो पूरी है, और मंत्रा में तो आपको कह दिया रूट डिवाइस, तो दोनों के सिक्योरिटी के लिहाज से कंपेटेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या आपको फ़ोन चेंज करना होगा, अगर आप चाहते हो हम फ़ोन ना चेंज करें, हमारे पास एक ही फ़ोन है इसी से काम करना होगा। देखो फ़ोन को यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें रूट करने का मैंने बताया था, जहाँ पे रूट करने के बाद एक मैजिस्टिक करके एक एप्लीकेशन आती है जिसके अंदर आप उसे ओपन करोगे तो उसके कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पे आप उसे अपडेट वगैरह कर लोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे मोर्फो हो गूगल पे फोन पे किसी रूट डिवाइस चलाने के लिए हो स्पेशली इसी का यूज़ किया था। और यहाँ पे क्या करता है, इसने एप्लीकेशन को जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो जो रूट को डिटेक्ट करता है उसे बताता है कि हमारा डिवाइस रूट नहीं है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा मैजिस्टिक का यूज़ करके आप फिंगरप्रिंट डिवाइस मोर्फो हो या फिर वो आपका मंत्रा डिवाइस का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो सिक्योर काम कर रहे हो, उसके लिए सिक्योर चीज़ चाहिए। अगर आप इनसिक्योर चीज़ यूज़ करोगे रूट करके आप उससे हाइड कर दोगे, मेरा फ़ोन जो ये सैमसंग का J7 NXT डिवाइस है मेरा जो फ़ोन है एंड इसमें जो मैंने इसे रूट करके भी ट्राई किया काम किया लेकिन मुझे प्रॉपर काम करना था तो मैंने इसे अनरूट कर दिया, दोबारा रूट कर मैंने पूरा नॉर्मली मोर्फो मंत्रा दोनों वर्क किया लेकिन मुझे वर्क नहीं चाहिए। क्या पता कभी कोई इशू आ जाए, अगर रूट हैंडसेट में प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी की आपके पैसे या बैंक की जो भी काम करते हैं उसको भी वॉयलेट होने का खतरा रहता है। देखो जिन भाई को ये इशू आ रहा है मैं सजेस्ट करूँगा मत आप मोबाइल का ही कितना आप काम करने लायक मोबाइल आप ढूंढोगे, अगर मार्केट सेकंड भी काम करने के तो आपको ज़्यादा नहीं 3-4 हज़ार रुपये में अच्छे मोबाइल आपको देखने को मिल जाएगा। तो जरूरत
3-4 हज़ार में मोबाइल आ ही जाएगा, तो आप कोशिश करो एक दूसरा हैंडसेट यूज़ करें जिसमें प्रॉपर काम करे। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा अपने डिवाइस को रूट कर लो, उसके मैजेस्टिक वगैरह लगाकर अपने एप्लीकेशन दिखाओ कि हम रूट नहीं है एंड उसका यूज़ करो, क्या कि इससे आपके प्राइवेसी बहुत ज़्यादा ही खतरा रहता है। तो जिन भाई को ये इशू आ रहा है, मोरपो या मंत्रा डिवाइस हो या रूट डिवाइस नहीं है फिर भी रूट बता रहा है, या फिर मोरपो लगा रहा है, डू नॉट मीट सिक्योरिटी, स्पेशली ये मोरपो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, योर स्मार्टफोन डू नॉट मीट मिनिमम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट फॉर UIDAI, प्लीज ट्राई सम अदर हैंडसेट, डू यू वांट टू ट्राई, तो आप बार बार ट्राई करते रहोगे ये एरर कंटिन्यू आपका आता रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप अपना हैंडसेट चेंज कर लो बिना रूट किए हुए, नॉर्मली आपका वर्क करेगा। तो ये एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट कि आज जिन लोगों को इशू आ रही थी इनका क्या सोल्यूशन, मैंने यूट्यूब पे देखा था रूट रूट करने का तरीका बता रहा, लेकिन मैं कभी नहीं करूंगा आप रूट करो। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, वीडियो बने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक करें, वीडियो पर देखो सुझाव राय, आपकी कोई प्रॉब्लम परेशानी अभी भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस है कि आपका अगर क्या चाहते हो तो नीचे कमेंट करें, जरूर रिप्लाई दें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, आपने कमेंट दें। एंड हम चाहे नए हो पहली बार आए हो ऐसे नॉलेजबल इंटरटेनमेंट गेमिंग और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो नॉलेजबल वीडियो बनाने के चैनल सब ना भूल सकते, बेल आइकन को ऑल पे करते, मिलते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो साथ, साइनिंग आउट, देखो मगर प्यार से।